यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रोल सर्वाइवल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ये वाला सर्वर मैं आप लोगों के साथ ही खेलने वाला हूँ। तो अभी देखो भाई, यहाँ पे काफी सारे अपने सब्सक्राइबर भाई लोग तो आ चुका है। मैंने उनको भाई सारे को लीजेंड में ले लिया है। अभी देखो अपने पास अभी तक विंडो वार तो नहीं आया है, जिसके कारण हमने अभी तक ये सब विंडो पर नहीं लगा पाए। फिलहाल हमें ये जल्दी से ढूंढ के लगाना पड़ेगा, वरना तो कोई भी बंदा भाई बाहर से आ जाएगा इजीली। अपने बंदे लोग तो देखो अपने बेस को भाई काफी हद तक तो अपग्रेड कर दिया है, और अंदर वाला मेन सेक्शन पूरा आयरन से अपग्रेडेड हो चुका है, और बाहर वाला पार्ट थोड़ा बहुत स्टोन से है, और बाकी का अभी तक वुडन का ही है। फिलहाल ये सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा। अभी गाइस हम लोग चलते हैं थोड़ा बहुत रूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं रिसर्च सेंटर पे, क्योंकि ये अपने सबसे बेस के क्लोज में है, और अपने पास ज्यादा कोई कार्ड वगैरह ही नहीं है, जैसे कि ब्लू कार्ड हो गया, पर्पल कार्ड हो गया। अपने पास अभी के लिए बस ग्रीन कार्ड और कोई भी कार्ड वगैरह नहीं है, तो हमें ब्लू कार्ड के लिए तो रिसर्च सेंटर जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं रिसर्च सेंटर सबसे पहले। सो ओके गाइस, अभी मैं फाइनली रिसर्च सेंटर पे पहुंच चुका हूं। अभी सबसे पहले देखते हैं इसका रूम है भी या फिर नहीं, क्योंकि भाई मैं यहां पे 4-5 बार पहले भी आया था, एक बार भी रूम मुझे नहीं मिला भाई, हर बार लूटेड था, और इस बार भी लूटेड ही है। और एक बार मैं आया था तब मुझे बस एक ब्लू कार्ड मिल गया था यहाँ से, और कुछ भी नहीं मिला था। तो चलो कोई बात नहीं, रूम तो नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे पता नहीं कौन मुझे रिक्वेस्ट वहाँ डाल रहे, चलो एक्सेप्ट कर लेते, शायद अपना ही कोई लीजेंड का बंदा होगा। तो यहाँ पे मुझे एक सप्लाई चेस्ट मिल जाता है, यहाँ से कुछ स्पेयर वगैरह मिलता है, और बाकी तो फालतू चीज होता है वो सब मैं नहीं उठाने वाला। यहाँ पे भाई पाइप वगैरह मिल जाता है, चलो सही है, सप्लाई चेस्ट से यही चीज तो मिलता है, और भला क्या मिलेगा। और अभी ऊपर चल के देखते हैं भाई यहाँ पे हमें ग्रीन कार्ड मिलता भी या फिर नहीं। वैसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा मेरे ख्याल से। इस सर्वर के बंदे लोग भाई काफी ज्यादा एक्टिव होता है भाई, रूम छोड़ता ही नहीं, जब भी आओ बस लूटेड होता है रूम। तो ऐसे तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, फिलहाल मेरे पास पहले से भी ग्रीन कार्ड था, कोई बात नहीं, ये अभी मैं उठा लिया। अभी सामने चल के देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ हमें मिलता है, और ये कौन है भाई। तो गाइस हमें रिसर्च सेंटर से तो और कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ दो सप्लाई चेस्ट ही मिलता है, और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे अपने दो टीममेट भी मेरे साथ चल रहा है, तो अभी चलते हैं हम बॉम्ब शेल्टर पे। ऑलराइट गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ बॉम्ब शेल्टर पे, चलो अंदर चल के देखते हैं भाई, हो सकता है अंदर कोई बंदा भी हो सकता है। मैं भाई 2-3 बार अंदर आके मर चुका हूँ, क्योंकि मैं हर बार आता हूँ तो यहाँ पे बंदा ही होता है। और यहाँ पे भाई कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से बॉम्ब शेल्टर लूटेड ही होगा। चलो यहाँ से टूल बॉक्स से मेरे को थोड़ा बहुत फ्यूल वगैरह मिल जाता है, और यहाँ उधर तो सप्लाई चेस्ट वगैरह कुछ भी भाई नहीं है। फिलहाल चलो दूसरी रूम पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे हमें फ्री वाला एमो चेस्ट तो मिल जाता है। सबसे पहले मैं ज़ॉम्बी को मार देता हूँ, अभी देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें पाइप बम वगैरह मिल जाता है, जो कि पाइप बम किसी काम की चीज़ नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ बैरल वगैरह मिल जाता है, जो कि काम की चीज़ है थोड़ा बहुत, गन वगैरह बनाने में भाई काम तो आती है। और यहाँ पे मेरा टीममेट भाई रूम को चेक कर चुका है, और रूम था पर्पल रूम जो कि लूटेड था। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ सप्लाई चीज वगैरह मिलता भी है या फिर नहीं, बट यहाँ पे तो कोई भी सप्लाई चीज वगैरह हमें नहीं मिलता है। तो चलो अभी यार यहाँ से निकलते हैं हम। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हर्बर पे, तो यहाँ पे भाई एक सप्लाई चीज तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मेरे ख्याल से हर्बर भी लूटेड ही होगा, क्योंकि भाई इस सर्वर के बंदे लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे। तो सबसे पहले मैं ये वाला रूम चेक कर लेता हूँ, देखते हैं भाई ये वाला रूम कौन सी रूम है। तो ओके गाइस, ये वाला रूम तो ब्लू रूम है, बट ये लूटेड है, तो यहाँ पे रह के और कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी देखते हैं फ्री वाला एमो चेस्ट हमें मिलता है या फिर कोई सप्लाई चेस्ट मिल जाए, फिर भी बढ़िया है। देखते हैं भाई यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट वगैरह तो होता है, ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो इधर से हम ऊपर चलते हैं, फिर जाके ढूंढते हैं। हार्बर पे गाइस आपको काफी सारे फ्री वाली सप्लाई चेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट मिल गया है, और इस वाले सप्लाई चेस्ट से हमें कोई खास चीज तो नहीं मिलता है, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी सप्लाई चेस्ट वगैरह होता है, और कभी कभी तो एमो चेस्ट होता है। ओ भाई, ये वाला टूल बॉक्स तो पहले नहीं था यार, शायद अपडेट के बाद आ गया, या फिर पहले ही था, मुझे नहीं लगता कि पहले भी था। तो सामने की तरफ एक सप्लाई चेस्ट है, चलो सप्लाई चेस्ट को भी लूट लेते हैं। कभी कभी गाइस इस सप्लाई चेस्ट के जगह पे आपको एमो चेस्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो एमो चेस्ट मिलने के चांस बहुत ज्यादा कम होता है। फिलहाल अभी आगे चल के देखते हैं आगे हमें कोई सप्लाई चेस्ट मिलता भी या फिर नहीं। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे सप्लाई चेस्ट वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे भी एक सप्लाई चेस्ट होना चाहिए, चलो चल के देखते हैं। इस सामने वाले कंटेनर के ऊपर नहीं, अंदर होता है, अंदर नहीं भाई, नीचे होता है, नीचे ये रहा सामने की तरफ। तो इसे भाई तोड़ के देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ से। थोड़ी सी पाइप मिला एक दो, और स्पेयर मिला एक दो, चलो कोई बात नहीं, इतना ही मिलता है सप्लाई चीज से, और ज़्यादा कोई खास चीज़ तो नहीं मिलता है, बस कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ही मिल जाता है। सो अभी सामने की तरफ दो एमो चीज तो होना चाहिए, देखते हैं चल के मिलता भी है या फिर नहीं।
मुझे नहीं लगता एमो चेस्ट हमें मिलने वाला है। तो अभी मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, अभी देखते हैं इस कैंडिडेट के ऊपर तो एक एमो चेस्ट होता है लेकिन अभी नहीं है। सामने की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमें एक सप्लाई चेस्ट मिलेगा ये रहा नीचे, तो चलो इसको भी लूट ही लेते हैं। यार क्या मिला इससे? ओ भाई सारे के सारे बिल्कुल बेकार चीज़ें, स्पेयर मिला बस और कुछ भी यहाँ पे काम की चीज़ नहीं मिला। मार्क्स वगैरह मिल गई, मार्क्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होता है भाई मार्क्स। अभी सामने चलते हैं, सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एमो चेस्ट भी नहीं है, सप्लाई चेस्ट भी नहीं है। और अगर सामने वाला रूम भाई ग्रीन रूम होगा ना तो अपने लिए भाई काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने पास तो पर्पल कार्ड है नहीं, तो ग्रीन रूम होगा तो ग्रीन रूम को ही हम खोल पाएंगे लेकिन पर्पल रूम को बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। सो गाइस ये तो भाई पर्पल रूम निकला, वो भी लूटेड था, तो भला क्या कर सकते हैं। अभी भाई यहाँ पे एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ चुका है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट में, यहाँ पे भाई रास्ते में मुझे एक गाड़ी मिल गई थी, उस गाड़ी को भाई मैं उठा के एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। अभी उस गाड़ी से रूम वगैरह करने में भी काफ़ी आसानी होगी। मेरा टीममेट फिलहाल यहाँ पे रेजिडेंट वगैरह डाल दिया है, मैं इस रूम को खोल लिया हूँ। ये वाला रूम था भाई ग्रीन रूम, चलो बढ़िया है। ऐसे हमें कार्ड वगैरह देखते हैं मिलता भी या फिर नहीं, वैसे कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ब्लू कार्ड मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पड़ा हुआ है। तो भाई यार ये वाला चेस्ट को मैं कैसे छोड़ दिया, इसको भी मैंने तोड़ देता हूँ। सो कार्ड तो नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे वाले रूम को चेक करते हैं एयरपोर्ट में कौन सा वाला रूम है। वैसे तो अगर ये ग्रीन रूम है तो पर्पल भी हो सकता है या फिर ब्लू भी हो सकता है, देखते हैं चेक करते हैं कौन सी है। सो ऑलराइट गाइस ये वाला रूम तो ब्लू रूम है बट इसके अंदर कोई भी लूट वगैरह नहीं है। मैं एक बार ना कार्ड चेक कर लेता हूँ कि अगर इसके अंदर पर्पल कार्ड मिल गया ना तो मैं इस रूम को खोल लूंगा, लेकिन पर्पल कार्ड भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ टावर पे, टावर पे एक एमो चेस्ट वगैरह मिल जाता है देखते हैं, बट नहीं है यहाँ पे। सो सोल्जर तो है लेकिन भाई एमो चेस्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं ऐसे निकलते हैं। अभी ये रहा भाई अपनी गड्डी उठाते हैं भाई फिर निकलते हैं ऐसे। फ्यूल तो इसमें डाला हुआ है, वैसे ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है। सो हमें अगर रास्ते में कोई फ्यूल ड्रम वगैरह मिलता है तो हमें वहीं से फ्यूल वगैरह उठा लेना पड़ेगा। अभी चलते हैं भाई न्यूक्लियर पे, तो यहाँ पे अपना एक सब्सक्राइबर भाई भी है तो उसे भी यहाँ से पिकअप कर लेते हैं हम। आ जाओ भाई जल्दी गाड़ी में बैठो। सो ओके गाइस अभी मुझे रोड से भी थोड़ा बहुत फ्यूल वगैरह मिल जाता है, अभी इतने फ्यूल से तो मैं इजीली न्यूक्लियर तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद न्यूक्लियर से मुझे और भी काफ़ी सारे फ्यूल वगैरह मिल जाएगा, फिर मैं इजीली सारे रूम वगैरह पूरे मैप घूम कर इजीली कर लूँगा। और गाइस देखो अभी तो मैं भाई काफ़ी सारे अपने सब्सक्राइबर भाई लोग के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन यार इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है यार, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ भाई लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सो गाइस ऐसा मत करो यार, अपने आप को मत मारो, अच्छे से खेलो तभी तो हम अच्छे से खेल पाएंगे ना। फिलहाल गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ न्यूक्लियर पे, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे नीचे जो एक एमो चेस्ट होता है वाली चेस्ट है भी या फिर नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे इसके ही अंदर होता है वाली चेस्ट। तो गाइस एमो चेस्ट तो इसके अंदर है और यहाँ पे भाई एक ज़ोंबी आ जाता है, तो मैं ज़ोंबी को भाई डाउन कर दिया और अभी भाई मुझे जम करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और देखो भाई अपना एक सब्सक्राइबर भाई ऊपर से सीधा जम किया और नीचे आके भाई सीधा नॉक, तो चलो मैं इनको रिवाइव कर देता हूँ। और ऐसे एमो चेस्ट तो ज़्यादा कुछ खास सामान मिला नहीं, बस थोड़ी सी कंपोनेंट्स वगैरह मिल गया है। सो अभी मैं आकर रूम चेक कर लेता हूँ भाई रूम के अंदर लूट है भी या फिर नहीं। तो गाइस ये वाला रूम तो ब्लू रूम है और रूम के अंदर लूट भाई भर के पड़ा हुआ है, लेकिन पर्पल कार्ड है भी या फिर नहीं ये बात तो नहीं पता। कोई बात नहीं लूट है तो हम रूम को तो खोलेंगे ही, मैं सबसे पहले जाके ना जनरेटर पर रेजिस्टेंट वगैरह डाल के आता हूँ। सो ओके गाइस मैंने जनरेटर पे रेजिस्टेंट वगैरह तो डाल दिया है, अभी मैं यहाँ पे कार लाके जल्दी से रूम को खोल लेता हूँ। रूम तो खुल चुका है और यहाँ पे भाई मुझे मिल जाता है एक एमो चेस्ट, यहाँ से मुझे आयरन फोल्डिंग लैडर मिल जाता है जो कि ट्रायंगल लैडर होता है, और 2-3 सप्लाई चेस्ट यहाँ से मिल जाता है जिससे भाई हमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ही बस मिलता है। और यहाँ पे भी एक सप्लाई चेस्ट है, यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाता है और थोड़ी सी रेजिस्टेंट भी मिल जाता है, बट यहाँ से हमें पर्पल कार्ड नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं अभी हम अंडरग्राउंड करते हैं इसका। अभी मैं आ चुका हूँ अंडरग्राउंड पे और यहाँ पे तो भाई काफ़ी सारे ज़ोंबी वगैरह है, चलो कोई बात नहीं हमें ज़ोंबी को धीरे धीरे मारते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ हमें भाई कोई एक रूम मिल जाएगा, देखते हैं कौन सी रूम हमें मिलता है, लेकिन उससे पहले ज़ोंबी को मारने से जो सामान मिलता है वो तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। और यहाँ पे भी भाई काफ़ी सारे ज़ोंबी वगैरह है, मेरे ख्याल से सामने हमें ग्रीन रूम देखने को मिलेगा, देखते हैं कौन सी है। सो गाइस यहाँ पे है ग्रीन रूम, तो मैंने जनरेटर पे कुछ रेजिस्टेंस तो डाल के आ चुका हूँ, अभी मैं जल्दी से इस रूम को खोल लेता हूँ। और यहाँ से भाई हमें मिल जाता है विंडो बार जो कि स्टील विंडो बार है, स्टील विंडो बार हमें नहीं चाहिए। और गाइस यहाँ से हमें मिल जाता है भाई SMG, चलो बढ़िया है। वैसे तो SMG अपने पास पहले ही आ चुका है,
बट कोई बात नहीं। और भाई हमें जो चीज चाहिए था वो चीज भी अभी मिल चुका है, जो कि है आयरन विंडोवर। हमें भाई अपने बेस में चारों तरफ आयरन विंडोवर भी लगाना पड़ेगा, तो अपने पास अभी तक नहीं था, अभी हमें मिल चुका है। अभी मैं इसका रेसिपी निकाल के चारों तरफ लगा सकता हूँ। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नीचे वाले रूम पे, अंडरग्राउंड के नीचे वाले रूम पे। और ये वाला रूम भी भाई है ग्रीन रूम, और इसका जनरेटर भी मैंने रेजिस्टेंस वगैरह डाल दिया है, और रूम भी अभी मैंने इसका खोल लिया है। देखते हैं ऐसे हमें क्या क्या चीजें मिलता है। ओ भाई ऐसे हमें सेमी ऑटो राइफल मिल जाता है, वैसे उतनी भी कोई खास चीज नहीं है। और यहाँ पे भाई हमें एक कार्ड मिल जाता है, ब्लू कार्ड। और यहाँ पे भी हमें विंडो बार मिल जाता है, वैसे विंडो बार पहले भी मिला था ना, चलो कोई बात नहीं दोबारा मिल गया। अभी इसको खोल के ऐसे हम निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बायो में, तो देखते हैं भाई बायो में हमें क्या चीज मिलता है। यहाँ पे वैसे हम बस एक ही रूम ओपन कर सकते हैं, जो कि होगा ग्रीन रूम, क्योंकि यहाँ पे बस एक ग्रीन रूम होता है और एक पर्पल रूम ही होता है। अपने पास तो बस ग्रीन कार्ड है और ब्लू कार्ड है, पर्पल कार्ड नहीं है, तो हम पर्पल रूम को नहीं ओपन कर सकते। और मेरे ख्याल से भाई आपका ग्रीन रूम भी लूटेड है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सप्लाई चेस्ट होता है जो कि अभी नहीं है, तो इसका मतलब ग्रीन रूम भी लूटेड ही होगा। चलो कोई बात नहीं यार, फिर भी एक बार ओपन करके देख ही लेते हैं। वैसे ग्रीन कार्ड ही तो है, अपने पास ग्रीन कार्ड भाई बहुत सारे हैं, वैसे सबके पास होता ही है। सो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह तो डाल दिए, अभी इसे ओपन करते। तो भाई ये मैंने कार्ड लाके इसको अभी ओपन कर लिया है। सामने चल के एक और डोर हमें ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे ही ओपन हो जाता है, वहाँ पे एक स्विच होता है। तो गाइस ये तो ऑलरेडी लूटेड है, और यहाँ पे अभी भी लूट गिरा हुआ है। ओ भाई ऐसे हमें भाई एक फ्री का मैचेट मिल जाता है, चलो बढ़िया है। अभी चलो यार भाई हमें ऐसे निकलते हैं यहाँ पे, और कुछ भी लूट वगैरह नहीं है। आयो के बाद गाइस मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री पे, और यहाँ का रूम भी भाई पूरा भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जनरेटर पे रजिस्टर वगैरह डाल देता हूँ, फिर आके हम इसका रूम भी ओपन कर लेते हैं। तो ओके गाइस अभी मैं इसका जनरेटर पे रजिस्टर वगैरह डाल के आ चुका हूँ, अभी इस रूम को भी मैंने खोल दिया है। तो यहाँ से हमें टूल बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ से हमें भाई थोड़ी सी स्पेयर मिलता है, बाकी एक एक्स था जिसे मैं फेंक दिया। यहाँ पे एक शॉटगन ट्रैप था, मैंने नहीं उठाया क्योंकि कोई काम की चीज़ नहीं होता यार शॉटगन ट्रैप। यहाँ पे भाई किचन नाइफ वगैरह है, उठा लिया, चलो कोई बात नहीं उठा लिया। वैसे भी किचन नाइफ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास मैचेट की रेसिपी ऑलरेडी आ चुका है। सो अभी चलते हैं बंडित कैंप पे। और राइट गाइस अभी मैं फाइनली बंद कैंप पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ का रूम मेरे ख्याल से पर्पल रूम है यार, तो पर्पल रूम तो हम खोल नहीं सकते। सो हाँ गाइस ये पर्पल रूम है, लेकिन कोई बात नहीं, सामने की तरफ एक एमो चेस्ट मुझे दिख रहा है, चलो उस एमो चेस्ट को ही हम लूट के आते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक दो सोल्जर को डाउन करना पड़ेगा, तो मैं ये सेमी ऑटो राइफल से सोल्जर को डाउन कर सकता हूँ ईजिली, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका रन ज़्यादा होता है। तो भाई ये मैंने मारा दो तीन शॉट, और एक सोल्जर तो होकर डाउन हो चुका है, चलो इसको भी भाई मैं डाउन कर ही देता हूँ। चलो अभी सही है, अभी मैं सबसे पहले ये वाला सप्लाई चेस्ट तोड़ के देखता हूँ। वो भाई ऐसे हमें ऑयल ड्रम बम मिल जाता है, बट ऑयल ड्रम बम तो फ्री में मिलता है ना डेली। चलो कोई बात नहीं, अभी ये वाला सोल्जर को भी मैं मार ही देता हूँ यार। वो भाई ये तो उल्टा मुझे भी मार रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये अभी डाउन हो चुका है। अभी हम सामने चल गए एमो चेस्ट तोड़ के देखते हैं अभी क्या मिलता है। सो भाई यार यहाँ से तो इतना गंदा लूट, भाई बस थोड़ी सी एमो मिला, और मतलब इतना तो भाई सप्लाई चेस्ट में भी नहीं मिलता, इतना गंदा लूट। खैर अभी तो गाइस हम इस रूम को ओपन नहीं कर सकते, तो अभी हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी तो और कोई रूम बचा नहीं है, अभी बस मिलिट्री बेस बचता है, तो मिलिट्री बेस में अभी नहीं जाने वाला, तो अभी चलते हैं अपने बेस में। सो ओके गाइस अभी देखो मैं अपने बेस में पहुंच चुका हूँ। एक काम करते हैं, इस कार को ना भाई मैं अंदर रख देता हूँ, क्योंकि भाई ये कार आपने आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है पूरी मैप घूम के भाई रूम लूटिंग करने पे। तो चलो भाई इसको मैं ठीक से बिल्कुल अंदर यहाँ पे पार्किंग कर देता हूँ, वैसे तो भाई ये थोड़ी देर पर फूट जाएगा वैसे ही। चलो मैं इसका फ्यूल वगैरह भी निकाल लिया हूँ। और भाई अभी देखो अपने बंदे लोग भाई इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं, भाई मारपीट करे जा रहे यार यहाँ पे, तो ये लोग एक दूसरे को बस मार रहे हैं। ऐसा मत करो यार, मारो मत यार एक दूसरे को। और ये लोग भाई वॉइस में भी नहीं आते डिस्कॉर्ड की, तो अगर वॉइस में नहीं आएगा तो भाई कैसे चलेगा, फिर तो हम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे ना। सो गाइस जो भी बंदे भाई अपने साथ खेल रहे हो भाई, सब भाई जब खेल रहे हो ना तब अपने वॉइस चैनल पे आ जाना डिस्कॉर्ड की, वहाँ पे हम बातें करके खेलेंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे देखो अपना भाई पीयूषी को भाई ग्लिच हो रखा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि वो कार में बैठ के कार चला रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भाई कोई कार है ही नहीं। खैर जो भी भाई अपने साथ खेल रहे हो और ऐसे उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो, तो भाई ऐसा मत करो यार, अच्छे से खेलो, मिलके खेलो, एक दूसरे को मत मारो। सबसे पहली बात तो यार भाई एक दूसरे को मत मारो। तो गाइस आज के वीडियो पे इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।